राजस्थान दिवस का उत्साह हर प्रवासी राजस्थानी पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र हो या गुजरात या सात समंदर पार, न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस को मनाने का उत्साह चरम पर है। इधर सूरत में रविवार को राजस्थान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। 50,000 के करीब प्रवासी राजस्थानी केसरिया साफा बांधे आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए। आयोजन स्थल के ड्रोन व्यू में सूरत की धरा केसरिया नजर आई। कार्यक्रम में सूरत के प्रवासी राजस्थानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन स्थल पर 24,000 कुर्सियां, 5,000 VIP सोफे, 32 LED TV पर प्रसारण, डिजिटल प्रवेश द्वार, 2,000 से अधिक कार्यकर्ता, 20 वाहन पार्किंग और भोजनशाला में 100 से अधिक काउंटर की व्यवस्था की गई थी। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से आयोजन नहीं हो पाया था और इसलिए इस आयोजन में पूरे गुजरात से राजस्थानी उमड़ पड़े। सूरत के पर्वत गुडाद्रा के मरुधर मैदान में रविवार शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के कलाकारों की प्रस्तुति से गुजरात की फिजाओं में राजस्थानी रंग घुल गया। मायर संस्कृति की झलक ने हर राजस्थानी को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजस्थानी के लोक गायक प्रकाश माली और आशा वैष्णव के गीतों ने सिल्क सिटी में राजस्थान की खनकती आवाज से, शूरवीर की गाथाओं से राजपूती आन बान शान की झलक दिखा दी। कार्यक्रम आयोजक संजय शराओगी, सवार प्रसाद बुधिया, कैलाश हाकिम, दिनेश राजपुरोहित, विक्रम सिंह शेखावत, कुंज प्रसारी प्रमोद पोद्दार व राहुल अग्रवाल रहे। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।